हमारी यानी आम जनता का एक माइंडसेट होता है कि फेमस लोग या सुंदर लोग मतलब वो गलत नहीं हो सकते या वो क्रिमिनल नहीं हो सकते। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप कोई भी फेमस सेलिब्रिटी का कोई भी स्कैंडल देख लो, उसके कमेंट सेक्शन में हजारों लोग ऐसे होंगे जो बाकायदा सबूत सामने होने के बावजूद उस सेलिब्रिटी का सपोर्ट करते हैं। आज का केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन अंत पता नहीं क्या होगा। के-पॉप की दुनिया भर के लोग फैन हैं, उनके म्यूजिक या टैलेंट से ज्यादा उनका चेहरा ज्यादा सुर्खियां बटोरती है और इन खूबसूरत चेहरों के पीछे छुपा शैतान को ज्यादातर लोग नहीं पहचान पाते। ऐसा ही एक चेहरा फेमस के-पॉप ग्रुप एक्सो का फॉर्मर मेंबर क्रिस वू का भी है। जब क्रिस वू का असलियत दुनिया के सामने आया तो के-पॉप ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा होने लगा। क्रिस वू पर नाबालिग के साथ बलात्कार और शोषण का आरोप लगा। चलिए देखते हैं एक फेमस सिंगर के साथ क्या हुआ और कैसे गिरा उसके मासूम चेहरे से एक मुखौटा। क्रिस वू का जन्म चाइना के ग्वांगडोंग में हुआ। क्रिस वू का असली नाम था वू यीफान। क्रिस वू 10 साल की उम्र में ही अपने माँ के साथ कनाडा शिफ्ट हो जाता है। 15 साल की उम्र में वो चाइना लौटकर अपनी पढ़ाई चाइना में ही जारी रखता है। 14 अक्टूबर 2007 को 17 साल का क्रिस वू SM एंटरटेनमेंट का ग्लोबल ऑडिशन में पार्ट लेता है और पास होने पर जनवरी 2008 को साउथ कोरिया शिफ्ट हो जाता है। वो चाइनीज साउथ कोरियन बॉय बैंड एक्सो का मेंबर बनता है और उसी की सब यूनिट XOM का लीडर भी बनता है। एक्सो काफी फेमस हो जाता है और उसके मेंबर्स के करोड़ों में फैंस बन जाते हैं। 15 मई 2014 को क्रिस वू SM एंटरटेनमेंट के खिलाफ केस दर्ज करवाता है। उसका कहना था कि SM एंटरटेनमेंट ने उसके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है और कम पैसे पर लंबे समय तक काम करवाते हैं। क्रिस कोरिया से चाइना लौटता है और मई 2014 से चाइना में काम करना शुरू कर देता है और काफी फेमस भी हो जाता है। 2016 तक यानी सिर्फ 2 साल में वो 9 मूवीज में काम कर चुका था। शोहरत और कामयाबी क्रिस वू के कदम चूम रहे थे। बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे बर्बेरी मैन शो में पार्ट लेता है और NBA के ऑल स्टार गेम्स का मेंबर भी बनता है। 2017 में हॉलीवुड मूवी XXX में भी करता है। उसके सोलो एल्बम्स तो रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। 3 जून 2021 को क्रिस वू का एक तस्वीर मूवी थिएटर से एक लड़की के साथ बाहर आते हुए इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। लड़की का नाम चेंजी ही बताया जाता है। चाइनीज मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार क्रिस वू ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले मूवी देखने के लिए पूरा थिएटर उसके लिए बुक कर दिया था। क्रिस के एजेंसी वांडा सिनेमा के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने तस्वीर पोस्ट कर एक्टर की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया है। साउथ कोरिया और चाइना में आर्टिस्ट या एक्टर हो या आइडल, उनके प्राइवेट लाइफ को लेकर काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। वहां अगर कोई आर्टिस्ट रिलेशनशिप में होता है या ऐसा कोई रूमर्स उठता है तो उसका डिमांड कम हो जाता है। तो क्रिस वू और उसकी एजेंसी मूवी थिएटर की तस्वीर से जो नुकसान हुआ था उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। 5 दिन बाद यानी 8 जून 2021 को दू मेजू नाम की 19 साल की लड़की एक पोस्ट करती है। उसमें उसने क्रिस वू के ऊपर कई संगीन आरोप लगाए थे जिसमें बलात्कार भी था। साथ में दू मेजू ने क्रिस और उसके बीच के हुई चैट के स्क्रीनशॉट और कुछ तस्वीरें भी सबूत के तौर पर पोस्ट किया। उस पोस्ट का ट्रांसलेशन कुछ ऐसा था, उसने लिखा कि मेरा नाम दू मेजू है और मैं एक आम लड़की हूँ। उसने लिखा कि उसके और क्रिस वू के रिश्ते में वो बहुत सीरियस थी और क्रिस के लिए वो सिर्फ एक खिलौना। उसने आगे कहा कि क्रिस को नाबालिग लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट था। उसका सेलिब्रिटी होने की वजह से नाबालिग लड़कियां बड़ी ही आसानी से उस पर भरोसा कर लेती थी और क्रिस उनका इस्तेमाल करता था। अक्सर वो उन लड़कियों को अपने म्यूजिक वीडियो में काम देने के बहाने बुलाता था और उन्हें शराब पिलाता था। नशे में उन लड़कियों का बलात्कार करता था। जब वो दूसरे शहर में काम कर रहा होता था तब उसके लिए काम करने वाले लोग लड़कियों के तस्वीर उसके सामने रखते थे और वो उन लड़कियों के तस्वीर में से एक को चुनता था, जैसे वो लड़कियां ना हो बल्कि कोई चीज़ हो। वो प्रोसेस बिल्कुल पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग रात बिताने के लिए अपने हरम में से औरतों को चुनने जैसा था। दू मेजू के पोस्ट के बाद और लड़कियां सामने आई और क्रिस वू के घिनौने हरकतों पर से पर्दा उठने लगी। 8 जुलाई यानी स्कैंडल के बाहर आने के 1 महीने बाद क्रिस वू ने स्टेटमेंट दिया कि दू मेजू और बाकी लड़कियां झूठी कहानियां बना रही है और वो उन सब पर अपनी इमेज और रेपुटेशन खराब करने के लिए केस करेगा। 17 जुलाई 2021 को दू मेजू ने एक और पोस्ट किया जिसमें उसने बताया कि क्रिस वू की तरफ से उसके मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने की बात हुई है। उस एग्रीमेंट नोटिस में भी क्रिस ने काफी चालाकी दिखाई थी। उस एग्रीमेंट के हिसाब से क्रिस दू मेजू को पैसा इसलिए दे रहा है क्योंकि दू मेजू क्रिस को ब्लैकमेल कर रही है। उतना ही नहीं, क्रिस ने दू मेजू से पूछे बिना ही करीब 3.5 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए ताकि ये साबित कर सके कि दू मेजू पैसे के लिए उसे ब्लैकमेल कर रही है। अगर वो एग्रीमेंट दू मेजू साइन करती तो चाइनीज लॉ के हिसाब से उसे कम से कम 10 साल की सजा होती और क्रिस वू ने ये तरीका पहले भी आजमाया था किसी और लड़की के साथ। दू मेजू ने बैंक अकाउंट का भी प्रूफ पोस्ट कर दिया। क्रिस वू के फैंस दू मेजू को धमकाना शुरू कर देते हैं। 18 जुलाई को दू मेजू ने एक और पोस्ट किया और कहा कि अब उसे बस हो गया और वो अब क्रिस वू को जेल भेज कर ही रहेगी। उसने पोस्ट किया कि अगर 24 घंटे के अंदर क्रिस वू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन सारी लड़कियों से जिसके साथ उसने गलत किया उनसे माफी मांगी और चाइनीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से विड्रॉ करके चाइना छोड़कर चले जाए वरना वो सब कुछ उगल देगी। उसने ये भी दावा किया कि एक लड़की जिसके साथ क्रिस वू ने बलात्कार किया और वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे जबरन एबॉर्शन करवाया गया था। 19 जुलाई को क्रिस वू इन सब इल्जामों को फिर से झूठा बताता है। वो ये तक कहता है कि अगर जो दू मेजू कह रही है वो सच है तो वो खुद चलकर जेल जाएगा। 22 जुलाई 2021 को चाइनीज पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के कुछ डिटेल्स प्रेस को बताते हैं।
31 जुलाई को क्रिस वू को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 अगस्त 2021 को क्रिस वू और उसके एजेंट से जुड़े सारे चाइनीज सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए जाते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को छोड़कर सारी जगहों से क्रिस वू के गाने, परफॉर्मेंस और मूवीज को हटा दिया जाता है और जिन्होंने उसे सपोर्ट किया उनके अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए जाते हैं। 8 अगस्त को कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस से एक नाबालिग लड़की सामने आती है, उसने भी क्रिस वू पर बलात्कार का आरोप लगाया। इसी महीने यानी 10 जून 2022 को क्रिस वू का ट्रायल चाओयांग्स पीपल कोर्ट में शुरू हुआ है। इन सब विक्टिम में से एक लड़की का उम्र 12 साल बताया जा रहा है, जो सच में डरावनी बात है। क्रिस वू के केस में अभी तक फैसला आया नहीं है। सबसे दुख की बात तो यह है कि आम लोग सेलिब्रिटीज को भगवान का दर्जा देते हैं। सेलिब्रिटीज के पास पैसा और पावर दोनों होता है और उनका गुनाह बिना सजा दिए ही माफ किया जाता है। हम आम तौर पर यह भूल जाते हैं कि एक क्रिमिनल और सेलिब्रिटी दोनों इंसान ही होते हैं। फिर मिलते एक नए केस के साथ। अलविदा।